कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन स्टार दोस्त, और साथ में दोस्तों बेल आइकन भी जरूर दबाए ताकि आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन स्टार दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त अनुज कुमार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लेटेस्ट वैकेंसी जो गवर्नमेंट की है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेरियस पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने 10th 12th बेस पे या फिर बेस पर, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आसानी तरीके से आप स्टेप फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना गूगल क्रोम खोल लेंगे, गूगल क्रोम डायरेक्ट खोलेंगे, कोई टेंशन नहीं है आपको कि हम इसको कस्टमाइज करें डेस्कटॉप के लिए। जैसे कि लोग बताते हैं ना कि 3 डॉट पे आइए, 3 डॉट पे आने के बाद आप इस पर क्लिक कीजिए। मैं वो दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप साइट। बट दोस्तों इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल मोबाइल में आपको बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसानी तरीके से, जो हर कोई भर सकता है, ठीक है। तो आप सिंपल से मोबाइल में अपना गूगल क्रोम खोलेंगे। हर किसी के मोबाइल में गूगल क्रोम होता है, और नहीं होता तो जो फ़ोन का ब्राउज़र होता है उस पर क्लिक करेंगे और उस पर लिख देंगे गूगल। गूगल लिखेंगे, ये पेज खुल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें टाइप करेंगे SSC, ओनली SSC, ठीक है। उसके बाद एंटर, मतलब सर्च मार देंगे। सर्च मार दें दोस्तों, पहला जो पेज ओपन होगा, मतलब आपको दिख रहा है जो पहला साइट सबसे ऊपर, आप उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी इसके पहले अप्लाई नहीं किया, अप्लाई किया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप इससे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पर अभी क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्लिक करने पर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर है तो यस कर दीजिए, अप्लाइड किया है तो अप्लाइड पे कर दीजिए, और नहीं है तो नो कर दीजिए। मेरे पास है तो मैं इसको फिल कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों मैंने आधार नंबर डाल दिया, मेरा आधार नंबर बना हुआ है, और आपका नहीं बना तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, सॉरी अप्लाई किया है तो पिन नंबर और टाइप ऑफ आईडी आप क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, जो आईडी है वोटर आईडी कार्ड या फिर कुछ भी है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा नेम, नेम में डाल देंगे अपना जो आपका नाम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वेरीफाई नेम ज़रूरी है, उसके बाद हैव यू चेंज द नेम, नो, अगर आपने नाम चेंज किया हुआ है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। उसके बाद दोस्तों फादर नेम आ जाएगा, उसका दोस्तों मदर नेम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मदर नेम डालेंगे, फिर मदर नेम वेरीफाई करेंगे दो बार। उसका दोस्तों आपका अपना डेट ऑफ बर्थ नंबर, ठीक है दोस्तों, आराम से भर ले, देख लीजिए उसके बाद भरिए, नहीं तो आपको भरने में आसानी नहीं होगी, बहुत दिक्कत हो सकती है। मैं जानता हूँ आपसे, आप में से बहुत से लोगों को ये सब आता होगा, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको नहीं आता अप्लाई करने, वो दुकान पर जाके 100 रुपये 200 रुपये देते हैं, तो यहाँ पर क्रीम बना सकते हैं अपने मोबाइल से ही, क्योंकि आज के डेट में दोस्तों सभी के पास स्मार्टफोन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ चॉइस करेंगे, वो डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद दोस्तों आपको डालना है एजुकेशन बोर्ड, आपने जितनी पढ़ाई की है उस हिसाब से आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, मैंने डाल दिया, दोबारा डाल रहा हूँ मैं। उसके बाद कब आपने पास किया है जो भी है वो डाल दीजिए। इस बार दोस्तों फॉर्म थोड़ा डिफरेंट आ रखा है, आसानी से इतना नहीं भर सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों आप आराम से फॉर्म देखिए, इसमें देखिए हर चीज़, हर
बार दो दो चीज़ कर रखा है जिससे हम आसानी से अपना फॉर्म नहीं भर सकते, अच्छी तरह देख के अच्छी तरह फील करें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन या आप अपना डाल सकते हैं, आपने अगर 10th किया है ओनली तो 10th पे रहने दीजिए, 12th किया है तो 12th पे रहने दीजिए, डिप्लोमा किया है तो उस पर रहने दीजिए, ग्रेजुएशन किया है तो उस पर कर लीजिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उस पर कर लीजिए, PhD किया है तो उस पर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा ईमेल आईडी। उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा जहाँ भी आप रहते हैं, जो परमानेंट एड्रेस है उस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करने से पहले आप एक बार ऊपर से अच्छी तरह देख लीजिए ताकि हमारी जो गलती अगर हो तो हम ठीक कर लें। दोस्तों आप रिलैक्स होकर भरिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अभी डेट है, ठीक है, और टाइम भी है, तो आराम से देख के भरिए। तो दोस्तों नेक्स्ट करने से पहले आपको एक डिस्प्ले पॉपअप आएगा मोबाइल पर, आप उस पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने से पहले अपना मेल आईडी और नंबर आराम से देख लें, ठीक है। मैं इसलिए देख रहा हूँ, आपको शो रख रहा हूँ ताकि आप आराम से पढ़ लें सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आप कंफर्म करें, उसका दोस्तों आपका अपने आप ही ऑटोमेटिक उस आ जाएगा नया पेज, ठीक है। देखिए मेरे को मेल भी आ गई है और रजिस्टर नंबर यहाँ भी शो कर रहा है, ठीक है। बाकी सब भूल जाए तो मेल पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है कास्ट, तो कास्ट हम देख भरेंगे अपना। कास्ट के बाद आपका ये नेशनलिटी आ गया, नेशनलिटी आपकी कौन सी है वो डालेंगे। सबको पता है हमारी नेशनलिटी क्या है, हम इंडिया के हैं, वैसे मेरा चैनल का नाम भी है इंडियन स्टार दोस्त, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब आपके शरीर में कुछ ऐसे निशान हैं जो कि फ्यूचर में रहेंगे और उससे हमारी पहचान हो जाएगी, तो वहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे कि मेरे राइट हैंड में तिल है तो मैं तिल के बारे में लिखूँगा, आपका कहीं कट मार्क होगा चेहरे पे या घुटने पे या कहीं भी तो वो लिख सकते हैं, या तिल का तिल लिख सकते हैं मौल, या फिर आपका जैसा अच्छा वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए, ठीक है। ये ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि डिसेबिलिटी आपकी नहीं है, विकलांग नहीं है, वो विकलांग के लिए है, विकलांग का सर्टिफिकेट लगेगा अगर हैं तो, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों फिर आप सेव कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट करने से पहले सेव जरूर कीजिए ताकि आपका जो डेटा है वो सेव हो जाए, फ्यूचर में आपका अगर बैटरी खत्म हो जाए या फिर लाइट भाग जाए जो आपने कंप्यूटर फील कर रहा है तो काम आता है। उसके बाद सेव क्लोज, अपने आप एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, ठीक है दोस्तों, आपका एड्रेस आ गया। एड्रेस के बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो सब आप डाल दीजिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस का यही रहेगा तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसको भरने के बाद दोस्तों अगर सेम है तो यस कर दीजिए, और अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, फिर अपना जो भी एड्रेस है वो डाल दीजिए। उसके बाद फिर सेव कीजिए। सेव करने के नया पेज, देखिए पिन कोड नहीं ले रहा, दोबारा मैं चेक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेव हो गया कॉन्टेक्ट डिटेल, अब आगे आएंगे, ठीक है। दोस्तों सबसे मेन जगह यहाँ पर आ गई है फ़ोटो अपलोड करना। हम बहुत से लोग सोचते हैं फ़ोटो हम जाकर दुकान पर सर्च करो 10-20 रुपये दे के, तो दोस्तों अब ज़रूरी नहीं बचा, आप अपना घर पे भी अपना मोबाइल से ही अपने या कंप्यूटर से ही फ़ोटो रिसर्च कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भर सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ तक इसको भर लिया, मैं आपका लंबा वीडियो नहीं लेना चाहता दोस्तों, इसके बाद का जो पार्ट है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखिए, अपने आप ही स्किप होके इस वीडियो पे आ जाएगा, या फिर आप नेक्स्ट कर लेना, नेक्स्ट करके इस पे आ जाएगा कि अपना फोटो हम कैसे अपलोड करें और कैसे रिसाइज करें उसके बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका फोटो रिसाइज करने के लिए, ठीक है दोस्तों। देखो लाइक जरूर करना, क्योंकि दोस्तों जो हमारा मेहनत का फल है आपके लाइक पे डिपेंड करता है, तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।
फ्रेंड्स, आप जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, ऐसे वीडियो आपके मिलते रहती है। और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो बनाऊं मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे।